रायबरेली समाचार चैनल को देखने वाले हजारों दर्शकों धन्यवाद व आभार। रायबरेली में एआरएम की लापरवाही से परिचालकों में आक्रोश का माहौल। गुरुवार को यूपी के रायबरेली में रोडवेज वर्कशॉप में उस समय अफरा तफरी मच गई, जब अपनी गाड़ी साफ कर रहे एक चालक की बस में पीछे से दूसरी बस ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि चालक के पैर की हड्डी टूट गई और वो उछलकर पानी के हौद में गिर पड़ा। ये देख आसपास मौजूद उसके साथी दौड़े और मामले की सूचना उच्चाधिकारियों को दी और चालक को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसका प्राथमिक उपचार कर उसकी गंभीर हालत देखते हुए लखनऊ रेफर कर दिया। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी एआरएम ने अस्पताल जाने की जहमत नहीं उठाई, जिसको लेकर घायल चालक के परिजनों में रोष व्याप्त है। जानकारी के अनुसार शहर के स्वराजंगन निवासी फुरकान परिवहन निगम में चालक के पद पर कार्यरत है। आज सुबह वो परिवहन विभाग के वर्कशॉप पर पहुंचा और अपनी बस की सफाई कर ड्यूटी पर जाने की तैयारी कर रहा था। इस बीच पीछे से तेज रफ्तार में आई दूसरी बस ने उसकी बस में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि फुरकान उछलकर हौद में गिरा और उसका पैर टूट गया। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास मौजूद घायल चालक के साथी दौड़कर मौके पर पहुंचे और मामले की सूचना उच्चाधिकारियों को दी और घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। घंटों बीतने के बाद भी परिवहन विभाग के आरएम जिला अस्पताल नहीं पहुंच पाए और घायल का हाल चाल तक नहीं पूछा, जिसको लेकर घायल के परिजनों में आक्रोश है। वही चिकित्सकों ने चालक की गंभीर हालत देख उसे जिला अस्पताल से लखनऊ रेफर कर दिया। घायल चालक ने कोतवाली में दोषियों के खिलाफ तहरीर दे दी है, जिस पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। रायबरेली समाचार चैनल को आप सभी दर्शक सब्सक्राइब करें, यूट्यूब में कमेंट करें, वो खबर को आगे और भी ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। रायबरेली समाचार चैनल को देखने वाले हजारों दर्शकों धन्यवाद व आभार। रायबरेली में एआरएम की लापरवाही से परिचालकों में आक्रोश का माहौल। गुरुवार को यूपी के रायबरेली में रोडवेज वर्कशॉप में उस समय अफरा तफरी मच गई, जब अपनी गाड़ी साफ कर रहे एक चालक की बस में पीछे से दूसरी बस ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि चालक के पैर की हड्डी टूट गई और वो उछलकर पानी के हौद में गिर पड़ा। ये देख आसपास मौजूद उसके साथी दौड़े और मामले की सूचना उच्चाधिकारियों को दी और चालक को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसका प्राथमिक उपचार कर उसकी गंभीर हालत देखते हुए लखनऊ रेफर कर दिया। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी एआरएम ने अस्पताल जाने की जहमत नहीं उठाई, जिसको लेकर घायल चालक के परिजनों में रोष व्याप्त है। जानकारी के अनुसार शहर के स्वराजंगन निवासी फुरकान परिवहन निगम में चालक के पद पर कार्यरत है। आज सुबह वो परिवहन विभाग के वर्कशॉप पर पहुंचा और अपनी बस की सफाई कर ड्यूटी पर जाने की तैयारी कर रहा था। इस बीच पीछे से तेज रफ्तार में आई दूसरी बस ने उसकी बस में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि फुरकान उछलकर हौद में गिरा और उसका पैर टूट गया। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास मौजूद घायल चालक के साथी दौड़कर मौके पर पहुंचे और मामले की सूचना। परिचय बता दूं, मैं दिनेश मिश्रा रायबरेली डिपो का संविदा चालक हूं और हमारा कर्मचारी एक्सीडेंट में चोट खा गया, भयंकर चोट खा गया, जिसको वहां पे भर्ती कराया गया और हमारा सक्षम अधिकारी एआरएम नहीं पहुंचा मौके पे और हम लोग सारे लोग परेशान होते रहे और परेशान होने के बाद उसको प्राइवेट एम्बुलेंस करवा के भेजवाया उसको वहाँ पे। क्या एआरएम को सूचना नहीं दी गई थी? एआरएम को सूचना दी गई, लोगों के बताने के मुताबिक सूचना दी गई और उसके बाद उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद बाद में अभी वो 9 बजे जब लोग भिजवाए तब अस्पताल गए तो कहाँ वहाँ मिले नहीं, कह रहा है कि हम 6 बजे से वहाँ हैं और सारे कर्मचारी हमारे वहाँ पे थे मौजूद। बताए भाई क्या मामला? ये था, हम गाड़ी में शीशा साफ कर रहे थे अपनी गाड़ी का। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फुरकान का। अच्छा, तो आप क्या चालक हैं? चालक है। शीशा साफ कर रहे थे, साफ कर ही चुके थे, पीछे से एक गाड़ी आई, इतनी तेजी में थी कि मारा दड़ाम सोचने, तो ये पैर मेरा दब गया और हम हाउदिया में कूद गए। अगर कूद न जाए तो मर जाए, पावदान मेरे पेटे में घुट जाए। कूद गए, उसी में 15-16 मिनट पड़े थे। फिर दो गाड़ी कहाँ की थी वो जिस तरह टक्कर मारी? रायबरेली डिपो की ही थी भैया, हम नहीं जानते, देखे नहीं पाए। पीछे हमारा दिल्ली वाली कोई गाड़ी थी, यही लोग बता रहे थे। अच्छा भाई ने, मैं देखा है। रोडवेज के अधिकारियों का क्या कहना है? आए यहाँ पे कोई आपसे हलचल पूछ रहे? गाड़ी तो हमको नहीं नजर आए, यही भाभी आए स्टेशन इंचार्ज लाल बहादुर भाई थे। किसी प्रकार की कोई सहायता कुछ? अब ये तो हम भैया यही बोले हैं, क्या सहायता देते हैं, देखो ये लोग कौन सहायता देंगे।